चलिए बात करेंगे पांचवी बड़ी खबर की। बल्लभगढ़ में एक बार फिर हरियाणा न्यूज की मुहिम रंग लाई है। प्रशासन ने कल्पना चावला सिटी पार्क में बने अवैध निर्माण पर संज्ञान लेते हुए पीला पंजा चलाया। प्रशासन के अवैध निर्माण को हटाने का लोगों ने भी शंखनाद करके स्वागत किया। दरअसल हरियाणा न्यूज ने इस मुद्दे को कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के सामने उठाया था, जिसके बाद उन्होंने जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेते हुए आश्वासन भी दिया था। हाँ, ये बहुत अच्छा है, सही है। ये सारी जो पब्लिक है कितनी परेशान थी, अब ये जो सारी पब्लिक को, ये सबको ही आराम है, सबके लिए ही सही है। इतने ये कार्यवाही जो हुई है ये बहुत अच्छी हुई है। ये समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी और नगर निगम के लिए भी बहुत अच्छी होगी, सिद्ध होगी आगे। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए थे दास्तां कहते कहते। समस्याएं हमारी सरकारों की भी और हमारे कुछ विशेष लोगों की ये मिली भगत थी, उसका परिणाम आज बहुत अच्छा हुआ। हम खड़े इस समय बल्लभगढ़ के कल्पना चावला सिटी पार्क में, और आप देख सकते हैं आज सुबह ही प्रशासन ने यहाँ पर पीला पंजा लगाकर जो है पूरी तरह से जो अवैध कब्जा था उसको तोड़ दिया है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर हरियाणा न्यूज की टीम ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था और इसको लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से भी बात की गई थी। तो मूलचंद शर्मा ने हरियाणा न्यूज पर दावा किया था कि जल्द ही उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो कांग्रेस सरकार में इसकी सही से पैरवी नहीं कर पाए थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने दावा किया था कि जो सिटी पार्क है वो लोगों के लिए बना रहेगा, इसको कोई भी यहाँ पर कब्जा नहीं कर पाएगा। तो इसको लेकर उन्होंने संज्ञान लिया और साफ तौर पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की अधिकारियों के साथ साथ ले जाकर, और अब कहीं ना कहीं इसके सार्थक परिणाम देखने को मिले हैं। तो लोगों में भी इसको लेकर काफ़ी खुशी का माहौल है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शहर के बीचों बीच ये पार्क है और केवल एकमात्र यह ऐसा पार्क है जहां लोग आकर अपने परिवार के साथ घूमते हैं और सुबह शाम यहां पर ऑक्सीजन ले सकते हैं, तो ऑक्सीजन का प्लांट भी इसको शहरवासियों की तरफ से माना जाता है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों ने इसको लेकर राहत की सांस ली है और कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया है और उन्होंने हरियाणा न्यूज पर दावा किया था कि अगले कुछ दिनों में ऐसे जो भ्रष्ट अधिकारियों उनके खिलाफ भी मामला जरूर दर्ज होगा। तो देखने वाली बात होगी कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ प्रशासन और सरकार क्या कुछ संज्ञान अब ले पाएगा, और कहीं ना कहीं हरियाणा न्यूज की जो मुहिम है वो एक बार फिर से रंग लाती हुई नजर आई है। बल्लभगढ़ से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया।